टीम इंडिया में कैसे बांटी जाएगी 125 करोड़ की प्राइज मनी? रोहित, विराट और कोच समेत जाने किसको मिलेंगे कितने पैसे? टीम इंडिया ने 29 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था। इसके बाद BCCI की ओर से भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया गया था। ये प्राइज मनी सिर्फ खिलाड़ियों के बीच नहीं बल्कि स्पोर्ट्स स्टाफ और चयनकर्ताओं के बीच भी बांटी जाएगी। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि T20 वर्ल्ड कप में शामिल खिलाड़ियों से लेकर कोच, रिजर्व खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ तक को कितने पैसे मिलेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 5 करोड़ रुपए भारतीय स्क्वाड और कोच राहुल द्रविड़ को दिए जाएंगे। कैसे बांटी जाएगी प्राइज मनी? टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद BCCI की ओर से 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया गया था। इसमें से स्क्वाड में शामिल 15 खिलाड़ियों समेत कोच राहुल द्रविड़ को सबसे ज्यादा 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल खलील अहमद, आवेग खान, रिंकू सिंह और शुभमन गिल को प्राइज मनी से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि इनके अलावा 2.5-2.5 करोड़ रुपए टीम के कोर कोचिंग स्टाफ में बांटे जाएंगे। इनमें बैटिंग कोच विक्रम राठौड़, फील्डिंग कोच टी दिलीप और बॉलिंग कोच पारस महाम्रे के नाम शामिल हैं। वहीं प्राइज मनी से 1-1 करोड़ रुपए का इनाम अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली सिलेक्शन कमेटी को भी दिए जाएंगे। बता दें कि भारत की सिलेक्शन कमेटी में टोटल 5 नाम शामिल हैं। टीम, कोच और सिलेक्टर्स के साथ बैकरूम स्टाफ को भी इस प्राइज मनी से 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनमें 3 फिजियोथेरेपिस्ट, 3 थ्रोडाउन विशेषज्ञ, 2 मालिश करने वाले और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच शामिल हैं। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों समेत टोटल 42 लोगों का दल गया था।